हाय स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 8 लेंगे आज। एडमिशन ऑफ पार्टनर था, रीड करते हैं। राजू एंड गजू आर द पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012 वाज एज फॉलोज। सो नेम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स राजू एंड गजू एंड द रेशियो 3:1। सी व्हाट इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट्स दिए, क्रेडिटर्स दिए, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड। तो पहली स्टेप कैपिटल पोस्टिंग, रिजर्व दिया है रिजर्व फंड नाम से, और दो लाइबिलिटीज, तीन से बन जाएंगे। एसेट्स में देखेंगे, कैश बैंक दिया है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कैश बैंक दिया है तो पहली स्टेप्स यहां से बन जाएगी, और रिमेनिंग स्टेप सेकेंड स्टेप यहां से रिमेनिंग एसेट की, दो स्टेप्स में एसेट पोस्टिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट सेट करेंगे। दे हैव एडमिटेड रामू on 1st April 2012 as a partner on the following terms. Name of new partner is Rama. Date of admission is 1st April. Okay. First one, Rama will bring rupees 15,000 as a capital of 1/5 share. Capital lane ke adjustment hai, theek hai. Goodwill account bhi open. Open hi raise kehlayega. Goodwill raise kehlayega. Goodwill account open. To ye case 2 hai. Case 2 hai to hume raise wala entry dena padega. New partner yahan pe nahi la raha hai. स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 5%, 10%। स्टॉक एंड फर्नीचर का नाम दिया है तो स्टॉक पे एंड फर्नीचर पे टिक मार गया। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स कुड बी मेड अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। तो आरडीडी डेटर्स पे है, डेटर्स देखो डेटर्स पे बोले हैं तो डेटर्स पे टिक मार जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार जाएगा। तो एडजस्टमेंट के टिक मार्क्स हो गए। अभी हमें करनी है पोस्टिंग। तो आपको पोस्टिंग पता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एसेट साइड, एसेट साइड से हम लिखते हैं पहले कैश बैंक। तो कैश बैंक कहाँ पे जाना है, कैश बैंक अकाउंट में। आपको तो पता है अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किए जाएंगे। पहला अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ओके। उसके बाद आएगा पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पेज पे बैलेंस शीट एंड उसके नीचे कैश बैंक। तो मैं यहाँ पे कैश बैंक लिखूंगा, देखते हैं कितना है कैश बैंक, 4,500। सो आई विल राइट हियर इन डेबिट साइड ऑफ कैश बैंक। बैलेंस नेम पहले से ही लिखा है मैंने, ओनली अमाउंट मुझे लिखनी है 4,500। इस तरह से पहली स्टेप क्लियर हो गई पोस्टिंग की। एसेट्स में अभी रिमेनिंग एसेट्स है जो हमें एसेट साइड में लिखने पड़ेंगे। सो यू कैन राइट विथ मी, आप लिख सकते हो मेरे साथ, आपकी प्रिपरेशन है तो। तो देखो एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल पहले दिया है 6,500, तो लिख के लेते हैं एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल 6,500, क्योंकि टिक मार्क नहीं है, अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद यार डेटर्स 18,000 के, तो डेटर्स लिखेंगे, देखो क्योंकि टिक मार्क दिया है, अमाउंट इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ दी। आफ्टर दैट क्या दिख रहा है, यस स्टॉक 20,000, तो स्टॉक लिखेंगे 20,000 की यहां पे। ओके, उसके बाद में है हमारे पास फर्नीचर, जो फर्नीचर 5,000 का है, तो फर्नीचर लिखेंगे यहां पे एसेट्स में। आगे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 20,000 का, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे यहां पे। ओके, इस तरह से एसेट पोस्टिंग क्लियर हो गया। अभी जाना है लाइबिलिटीज में, तो पहले से डिस्कस किया है लाइबिलिटीज में कौन से स्टेप्स आएंगे। कैपिटल बैलेंस पहले पोस्ट करेंगे, तो कैपिटल बैलेंस जाएगा कैपिटल अकाउंट में, देखो 25 एंड 20। तो कैपिटल बैलेंस यहां पे लिखना है क्रेडिट साइड में 25 20। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप बनेगा क्या, रिजर्व फंड देना पड़ेगा 8,000, वही पार्टनर्स में ही जाए, पार्टनर्स का ही वो रिजर्व एंड प्रॉफिट रिजर्व फंड 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, मैं ओनली आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। 3:1 इज रेशियो, तो नॉर्मल फ्रैक्शन में बनेगा 3 अपॉन इनका टोटल 4, 1 अपॉन इनका टोटल 4, 1 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, ये रेशियो बन गया। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3 अपॉन 4, 4 से डिवाइड किया, 2,000 इंटू 3, 6,000,
2000 into 2000 6000 2000, इस तरह से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स में 6000 and 2000। ओके, अब क्या बचा है लाइबिलिटी में? कैपिटल और रिजर्व देने के बाद रिमेनिंग लाइबिलिटीज है दो, तो लाइबिलिटीज में जाएगी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो लाइबिलिटीज में यहाँ पे कैपिटल बैलेंस लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लिखेंगे कुछ लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स 15,000 दिए, हाँ आउटर में जाएंगे क्योंकि टिक मार्क नहीं है, एंड बिल्स पेएबल 6,000, इन पे भी टिक मार्क नहीं है, आउटर में लिखेंगे। इस तरह से लाइबिलिटी पोस्टिंग क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करेंगे हम एडजस्टमेंट्स। रामू विल ब्रिंग रुपीज 15,000 एज अ कैपिटल फॉर वन पिक्चर। पहले एडजस्टमेंट दिए, इसने बोला है नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है कैश ला रहा है, तो कैश बैंक में पहला फिक्स आएगा। देखो यहाँ पे कितनी अमाउंट 15,000, चलो लिख दी। नेम, रीजन क्या आएगा, कैपिटल आया ना, नया पार्टनर रामू, रामूस कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अच्छा, तो आपको पता है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने हैं, कैश बैंक के डेबिट साइड में एंट्री है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगी। हम लिखेंगे यहां पे बाय कैश बैंक, कितनी अमाउंट आएगी रामू के अकाउंट में 15,000। ओके, पहला एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, गुडविल अकाउंट भी ओपन इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर विच 10,000। तो गुडविल अकाउंट ओपन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नया पार्टनर कहीं पे भी बोल नहीं रहा है कि वो गुडविल ला रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो गुडविल रेज ही होता है, तो ये गुडविल रेज ही है, ओनली सेंटेंस अलग तरीके से बताया है, ठीक है। तो गुडविल रेज का इफेक्ट आपको पता है ना, केस टू गुडविल रेज होता है तो पहले जाएगा एसेट्स में, कहां पे जाएगा एसेट्स में, हम यहां पे लिख देंगे गुडविल रेज हो रहा है, गुडविल ओपन हो रहा है तो गुडविल एसेट में लिखेंगे 10,000 का, इनर में लिखता हूँ कुछ एडजस्टमेंट रहेगी तो फिर करनी पड़ेगी ना, ठीक है, गुडविल अकाउंट लिख दिया। दूसरा इफेक्ट, तो गुडविल रेज करने का काम किसका है, क्यों कर रहा है? तो मैं बोलूंगा नया पार्टनर नहीं ला रहा है इसकी वजह तो गुडविल ओपन हुआ, तो कौन करेगा ये, तो ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल लाया तो अपने अकाउंट में तो रखेंगे ना, यस। दूसरा इफेक्ट यहां पे जाएगा क्रेडिट में, तो ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं तो 10,000 उनके अकाउंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। ओके, 10,000 मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, देखो ठीक से 10,000 3/4 1/4 4 2 8, ओके रिमेन 2 4 5 20, ओके 7,500 and 2,500, इस तरह से अमाउंट्स आ गए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 7,500 and 2,500, गुडविल रेस का इफेक्ट हो गया। पहला इफेक्ट एसेट में लिखो गुडविल, और गुडविल वही गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में तुरंत क्रेडिट में बांट, गुडविल रेस का इफेक्ट केस वन, सॉरी केस टू। देन स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 5% and 10% रिस्पेक्टिवली। स्टॉक रिड्यूस करना है, फर्नीचर भी रिड्यूस करना है, तो एसेट्स में चले जाएंगे, ओके स्टॉक एंड फर्नीचर पे रिड्यूस करेंगे, तो स्टॉक में रिड्यूस करेंगे यहां पे लेस रिड्यूस्ड 5%, 20,000 पे 5% कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा 1,000 आएगा, आप कैलकुलेट करो चाहिए तो 19,000, और फर्नीचर पे 10% करना था, रीड किया यस रिड्यूस एट द रेट 10%, तो 10% कितना आएगा 500 आएगा, तो करके देखो कैलकुलेशन। ओके, तो वैल्यू कम हुई है यानी लॉस है, और लॉस जाएगा कहाँ पे, यस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, आपको पता है अभी लॉस कहाँ पे जाने, डेबिट साइड में जाते हैं। स्टॉक की अमाउंट कितने आ गई 1,000, फर्नीचर की कितनी आ गई 500। ओके, अभी न्यू एडजस्टमेंट देखेंगे आगे वाला, ऑलरेडी दिया है प्रोविजन 5%, डेटर्स पे 5% तुरंत देंगे, डेटर्स यहाँ पे RDD एट द रेट 5% कितना आएगा 900, आप कैलकुलेट करके देख लो
17,100। ओके तो आरडीडी लॉस है ना, यस न्यू आरडीडी लॉस होगी क्योंकि पहले की आरडीडी कुछ दी ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 900। ओके वेरी गुड। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट यानी इंक्रीज होगा तो प्लस आएगा, एप्रिशिएटेड एट द रेट 20%। कितने होंगे 20%? 10% 2000 होंगे, 20% 4000 होंगे, सो 24000। 4000 इंक्रीज हुए यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट लिखेंगे यहां पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 4000। अभी अभी करने हैं क्लोजिंग, मैं वन बाय वन क्लोजिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, 4000 ये साइड में है, ये साइड में उससे भी कम है, तो दिस साइड इज मोर, तो यही अमाउंट 4000 दोनों तरफ लिख दी, और इसमें से ये ऊपर वाले सब लेस के तो 1600 आए। यहाँ पे नेम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट राजू एंड गर्जू पार्टनर्स 3:1 में दोनों अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट 1200 400। अभी इनका क्लोजिंग करना है, मैं यहाँ पे क्लोजिंग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्टनर 15000 यहाँ पे, तो यहाँ पे 15000 ऊपर कुछ नहीं है लेस करने को, 15000 यहाँ पे बैलेंस। देन गजू मिडल पार्टनर 20,000 2000 2500 400, सो 900 एंड 24900 आ गया, 24900। तो ऊपर भी सेम अमाउंट रहेगा, लेस करने को कुछ भी नहीं है। देन यहाँ पे 700 25 6000 7000 1000 8 14 and 5 19 carry 1 39 700, तो वही बैलेंस रहेगा इधर। ओके इसे बोलेंगे हम क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये जाएगा बैलेंस बैलेंस शीट, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कैपिटल का बैलेंस मैंने बैलेंस शीट में पोस्ट किया जो हमें मिला था। ओके उसके बाद क्लोज करना है बैलेंस शीट, उसके पहले कैश बैंक टैली करना है। तो कैश बैंक मैंने ऑलरेडी टोटल करके रखी है 19500, ये साइड में 19500, और फिर ये बैलेंस यहाँ पे निकला और बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। मैंने बैलेंस शीट में ऑलरेडी पोस्ट किया है कैश बैंक, गुडविल की अमाउंट इनर में थी, कुछ भी नहीं बोला बाद में, तो डैश करके अमाउंट वैसे के वैसे बाहर के कॉलम में, उसके नीचे कैश बैंक आया। अब दोनों तरफ के बैलेंस शीट के अमाउंट्स की टोटल करेंगे, तो देखते हैं इस साइड में कितना टोटल आएगा। ओके मैं टोटल करके रखता हूँ कितना आएगा देख लेंगे। ओके यस सब एसेट साइड की टोटल आई 1,06,000 एंड लाइबिलिटी में कितनी आएगी ये तीनों की 1,06,000। इट मीन्स दोनों तरफ की टोटल मैच हो गई और ये बैलेंस शीट जो है टैली हो गई। ओके तो आप भी कर सकते हो टैली, आपको प्रॉब्लम समझ में आया नहीं मुझे बता दो, आप मैसेज कर सकते हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है।